अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका रेशमा की रेसिपी ब्लॉग्स में। आज हम लंच के लिए बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल चिकन, और वो चिकन हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल में। साउथ की एक फेमस सी रेसिपी चिकन चेटीनाड, और उसके साथ हम बनाएंगे एक राइस, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में, लेमन राइस। तो चलिए दोनों रेसिपी बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं हम चिकन चेटीनाड और उसके साथ लेमन राइस। तो चिकन चेटीनाड बनाने के लिए हम चेटीनाड मसाला बनाएंगे। सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन रख दी हूँ। पैन में हम डालेंगे एक चम्मच अखा धनिया, उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 8 से 10 लौंग, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, यहाँ मैंने 3 स्टार अनाइस ली हूँ, 8 से 10 ब्लैक पेपर, और ये जो फ्रेश कोकोनट है इसे हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 5 ड्राई रेड चिलीज, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि इसका जो कलर है चेंज नहीं हो जाता। जब ये सारे होल स्पाइसेस हाफ डन हो जाए तो इसमें ऐड कीजिए जावित्री और इसे अच्छे से भून लीजिए। तो ये स्पाइसेस का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा कूल करेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ ये कूल डाउन हो चुका है, अब इसे हम मिक्सी में डाल के फिर उसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करके इसका हमें एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमारा जो है चेटीनाड का पेस्ट रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो चलिए अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम्स चिकन ली हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे हम, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जो हमने चेटीनाड मसाला रेडी किया है वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही स्पाइसी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे 1/2 घंटे के लिए। तो लीजिए 1/2 घंटा हो चुका है, मैंने पैन रख दी हूँ। तो पैन में अब हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे दालचीनी, 2 इलायची और 1 स्टार अनीस। अब इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज, हमने उसे बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल नहीं जाएगी। तो देखिए अदरक लहसुन जो है हमारा भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन हमारा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टमाटो का प्यूरी। अगर आप चाहें तो आप टमाटोज को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो हमने मैरिनेट किया था जिस बाउल में चिकन, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक के चिकन जो है 50% कुक होने तक हम इसे कुक करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें हमने जो चेटीनाड मसाला रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स बिलीव मी, इतना टेस्टी होता है ये मसाला, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जो स्पाइसी खाने वाले हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी उसी बाउल में मैं ऐड करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा नमक हम ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब बस इसे ढक के और 10 मिनट्स के लिए कुक करते हैं। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रेवी कम रखी हूँ। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ड्राई रखना था इसके लिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं की हूँ। अब बस थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। तो लीजिए रेडी है हमारा चिकन चेटीनाड। Thank you.
तो चलिए बनाते हैं लेमन राइस। तो लेमन राइस बनाने के लिए मैंने यह राइस पहले से ही बना के रखा था। लेमन राइस जब भी बनाएं तो राइस जो है पहले से बना के रखें, नहीं तो जब आप गरम गरम राइस में करेंगे तो चावल जो है स्टिकी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें मैं डालूंगी ऑयल और ऑयल में हम ऐड करेंगे पीनट्स। एक हैंडफुल पीनट्स आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। पीनट्स रोस्ट हो चुके हैं, अब एक चम्मच हम चने की दाल हम ऐड करेंगे इसमें। और इस स्टेज पे हमें ऐड करना होता है कड़ी पत्ता, जो यहाँ नहीं मिलता है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाव चम्मच जितना मेथी दाना। अब इसमें हम आधी चम्मच मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे, राई ऐड करेंगे, पाव चम्मच हम जीरा ऐड कर देंगे, एक चुटकी हींग ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। याद रखिए नमक हमने चावल में भी ऐड कर किया था, तो वो हिसाब से आप ऐड कीजिए इसमें। और चावल जो है मैंने यहाँ पे बासमती राइस ली हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल राइस में भी इसे बना सकते हैं। आधी चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चार ड्राई रेड चिलीज ऐड करेंगे। अब जो राइस हमने बॉईल किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी बनाने समय आप एक ही चीज़ याद रखिए कि जो राइस है वो पहले से बॉईल होके कूल हुआ हुआ होना चाहिए, नहीं तो जो गरम राइस है वो टूट जाएगा और स्टिकी बन जाएगा। ये थोड़ा खुला खुला बनना चाहिए लेमन राइस। और ये जो राइस है इसकी ख़ास बात ये है कि इसे आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो कहीं ट्रेन में एक दिन दो दिन के लिए, तो आप इसे साथ में भी ले सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये 24 आवर्स तक ये अच्छे से रह सकता है। तो जो मोस्टली साउथ इंडियंस होते हैं वो जो जब जाते हैं गाँव ट्रैवल करते हैं तब वो ये राइस बना के अपने साथ ले जाते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है राइस को। हमने दो लेमन के जूस को स्क्वीज करके ले लिया था, वो इसमें हम ऐड करेंगे। लेमन का जो फ्लेवर है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप 3 लेमन का जूस भी ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ 2 लेमन का जूस ली हूँ, तो मैंने इसे अच्छे से अभी मिक्स कर दी हूँ। अब हम इसमें लिड रख के इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक कर देंगे। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो लीजिए रेडी है साउथ इंडियन स्टाइल लेमन राइस। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। यहाँ हमारा चिकन चेटीनाड भी रेडी है। तो पहले हम राइस को डालेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने खिले खिले और खुशबू इसकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन कड़ी पत्ता मिसिंग था, बट आप कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिए जब भी आप बनाएं। अब जो ये चिकन चेटीनाड है उसे भी हम यहाँ पे रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जो मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं प्लीज़ बताना कि मैंने आपकी रेसिपी सही से बनाई या नहीं। थोड़ा सा इसे गार्निश कर दीजिए कोरिएंडर से, बहुत ही अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल और टेस्ट में तो लाजवाब है ये चेटीनाड चिकन विथ लेमन राइस। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स देखिए जो राइस है बहुत टेस्टी है और हमारा चिकन भी है काफ़ी टेंडर हो चुका था, बहुत ही सॉफ्ट जूसी और इसकी ग्रेवी बहुत ही स्पाइसी। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको जो ये ब्लॉग है पसंद आया होगा, ये रेसिपी पसंद आई होगी और मैं यकीन के साथ कहती हूँ आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।